यस बेटे, कल दी क्लास विच आपां 75 कंप्लीट कीते, बैंक मैनेजर नूं पत्र दा फॉर्मेट समझिया। अज आपां पत्र करने हन बैंक मैनेजर नूं किहड़े किहड़े विशेयां नाल संबंधित पत्र हो सकदे आ, कौन दसेगा बेटे किहड़े किहड़े पत्र आपां बैंक मैनेजर नूं लिख सकदे आ, किहड़ी किहड़ी साडी रिक्वायरमेंट है जिहदे अकॉर्डिंग असीं बैंक मैनेजर कोल अर्जी पत्र लिख के अपनी जरूरत अनुसार अपनी जिहड़ी भी कोई रिक्वायरमेंट है उहनूं असीं हल कर सकते हैं। यस बेटे, फस्ट पत्र आपां करदे हां खाता खुलवाउण लई। पहला सब तो खाता खुलेगा तां ही कोई काम अगला स्टैप लवांगे। खाता खुलवाउण लई तुसीं नवां अकाउंट खुलवाउणा है। यस बच्चे, इहदे लई कंटेंट की होएगा? यस, रेज योर हैंड्स। कंटेंट बोलो बेटे, खाता खुलवाउण लई इहदा फॉर्मेट एक बारी फिर कर लईए। प्रीख्या भवन, ठीक है, ऑलरेडी तुसी कर चुके हो। शहर, मिति, ठीक है बच्चे, नोट करो। देन हुण स्टार्ट होना है सेवा विखे मार्जिन लाइन छोड़ के। हेड का नाम की है? मैनेजर साहेब। कोई लाइन लीव नहीं करनी है, मैनेजर साहेब। दैन डॉट पा के बैंक का पर्टिकुलर नेम नहीं देना, जड़ा भी कोई बैंक में उसकी शाखा भी होंगी है जब ब्रांच होंगी है, ठीक है। एक शहर के विच बहुत सारिया ब्रांचिज ने एक बैंक दियाँ, बैंक भी किन्ने ने? एक तो जड़े हैगे ने नैशनल बैंक ने, पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, SBI बैंक, और प्राइवेट भी है जड़े इन्होंने अप्रूवल मिली हुई है, ICIC बैंक, HDFC कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे है। ओके, और इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस होंदिया ने, क्योंकि एक बैंक तो सारे सिटी सारे डिस्ट्रिक्ट दियाँ जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इस करके दो तीन इलाकों की सांझी ब्रांच जां वक् वक् इलाकों की ब्रांच जां एक सिटी का सेंटर है उत्थे वड्डी ब्रांच, सब तो वड्डी ब्रांच, मेन ब्रांच जिन्हों कहिंदे ने मेन ब्रांच। हर एक बैंक की एक मेन ब्रांच भी होंदी है जिथे तुसी अपने सारे जिहड़े भी तुहाडे जिस परपज नूं लैके तुसी जाना वह तुहाडे परपज सॉल्व हो जाना। अलग अलग काउंटर बने होंगे, तुसी कदे बैंक विच विजिट करो तो तुहानूं पता चलेगा कि एंटर करदिया ही एक अजिहा इंप्लॉई बैठा होंदा जिहड़ा कि कस्टमरस नूं, जिहड़े बैंक दे कस्टमरस ने जिन्हां दा ऑलरेडी बचत खाता खुल्लिया होया जां जिन्हां ने खुलाउणा है उन्हां नूं गाइड करदे ने। उत्थे अलग अलग फॉर्म पए होंदे ने कि तुसी पैसे जमा करवाने हैं, पैसे कढ़वाने हैं, ठीक है, अपना कोई लॉकर लेना है, कोई लोन लेना है, कोई कर्जा लेना है, ठीक है, कोई तुसी FDR करवानी है अपनी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करवाना है। उत्थे अलग अलग फॉर्म पए है, वह तुहानूं गाइड करेगा तुसी ये फॉर्म भरो तां तुसी इस काउंटर ते जा सकते हो। उत्थे वख वख काउंटर है, नंबर वन काउंटर के जिथे कैशियर है जिन्हें कैश करनी है, जिथे तुसी चैकबुक लैनी है, और जिथे तुसी सारा अपनी डिटेल पुछनी है, स्टेटमेंट लैनी है, मिनी स्टेटमेंट लैनी है अपनी जिहड़ी पूरी साल दी कि तुसी किन्ने जमा कराए किन्ने कढ़वाए, ठीक है। पर अजकल तो बड़िया फैसिलिटीज हो गई, इंटरनेट बैंकिंग होना, इंटरनेट बैंकिंग होना तुसी घर बैठिया ही अपने अकाउंट का पूरी डिटेल देख सकते हो, प्लस जे तुसी पैसे जमा कराने ने वो भी खुल मिल जाते घर बैठे, फैसिलिटी है। और ATM ने हर एक इलाके दे विच ATM है, उत्थे तुसी ATM कार्ड तुहानूं इशू होया होया जां तुसी ATM कार्ड इशू कराना है उहदे लई पत्र लिखो, ठीक है। तुसी चैकबुक लैनी है उहदे लई पत्र लिखना, एक विशा नहीं है। बैंक मैनेजर नूं पत्र किहड़े किहड़े विशा ते लिखा जा सकदा? फर्स्ट वन इज खाता खुलवाउण लई, सैकेंड वन इज खाता बंद करवाउण लई, थर्ड वन इज अपने अकाउंट नूं आधार कार्ड नाल जोड़न लई, ठीक है, क्योंकि अज दी स्थिति विच अज दे समें विच
हर चीज थोड़ी आधार कार्ड नाल जुड़ी हुई है। आधार कार्ड जड़ी चीज भी जड़ी भी कोई थोड़ी किसी भी डिपार्टमेंट चा वो पहला पूछते हैं अपना आधार कार्ड लेके आओ। कोई लाइसेंस भी बनाना है आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड नाल हर चीज जोड़न दे नाल तुहानू पूरी इनफॉर्मेशन थोड़े फोन ते आ जाती जिहड़ा फोन तुसी आधार कार्ड नाल रजिस्टर्ड किया होया। इस करके आधार कार्ड ते थोड़ी सही इनफॉर्मेशन होनी जरूरी है। थोड़ा नेम थोड़ा एड्रैस थोड़ा फोन नंबर कंटैक्ट नंबर आधार कार्ड नाल जरूरी है क्योंकि हुण बैंक वाले सब तो पहला जदों तुसी खाता खुलवाउणा है ना उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी भी मंगनी है। ठीक है बच्चे, आधार कार्ड हर चीज़ दे लई जिथे भी तुसी कोई चीज़ रजिस्टर्ड करवानी है उहदे लई मस्ट है। ठीक है बच्चे, हुण आपां गल करिए खाता खुलवाउण लई कौन दसेगा कंटेंट। यस रेज योर हैंड्स। अजकल तो बच्चों का भी खाता खुलिया होता है बचत खाता घर आके ब्रांचेस वाले बैंक वाले खोल जाते हैं। यस बेटे, विशा की लिखांगे इत्थे बैंक विच खाता खुलवाउण लई खाता नूं की कहिंदे ने इंग्लिश तां तुहानूं पता है इंग्लिश की कहने अकाउंट। ठीक है, अकाउंट सब नूं पता उन्हूं पंजाबी च की कहने खाता। हुण केड़ा अकाउंट खुलवाना है तुसी दसो केड़ा अकाउंट खुलवाना। आपां सब तो पहला बैंक विच केड़ा अकाउंट खुलाने हैं रेज योर हैंड्स। यस बच्चे रेज योर हैंड्स, कंटेंट बोलो खाता खुलवाउण लई की कुछ चाहिदा, किवें तुसी अर्जी लिखोगे। सब तो पहला तो खाता खुलवाउण लई अर्जी लिखनी पैनी है। यस बेटे, फिर तुहाडा सारा कुछ जो तुसी अर्जी विच लिखोगे उहदे अकॉर्डिंग तुहाडा बैंक विच खाता खुल जाएगा। फिर तुहाडा जिहड़ा नंबर तुसी फोन दा रजिस्टर्ड करोगे फिर तुहानू सारी फोन ते इनफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आनी है। यस बच्चे, खाता खुलवाउण लई कंटेंट की लिखोगे स्टार्टिंग च। रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, फ्रेम करो बेटे माइंड च। एनी स्टूडेंट जी इदां गल नहीं बनते, सोचो कल दी क्लास भी आपां डिस्कस कीता सी। ट्राई करो बेटे ट्राई करो, फिर आपां आपस च डिस्कस करना 3-4 पॉइंट्स। इहदे विच ज्यादा डिटेल तां देनी नहीं, जदों खाता खुलवाउणा 2 दी पॉइंट गल करनी हुंदी पत्तर च। वैसे पत्तर जदों लिखदे आ कि दो चीज़ां नूं फोकस करके लिखदे आ, कोई दस सकदा किहड़ियां दो चीज़ां नूं आपां फोकस करदे आ। एक फर्स्ट पैरा केड़ा बनाने हैं, सेकंड पैरा की बनाने हैं। हाँ अनवे बेटे, मैं आप नेम लवा कि कौन दसेगा। अनवे अनम्यूट योरसेल्फ। एक नूर, एक नूर दी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। हाँ जी बेटे बोलो, कंटेंट की हो सकता है स्टार्टिंग च अपन की लिखांगे जदों खाता। बेनती ये है कि हाँ जी यस, मैं डैश डैश मोहल्ले दा निवासी हाँ। yes, मैं तुहाडे बैंक च बड़े देर तो खाता खुलवाया होया है पर मैनू एक होर खाते दी जोड़ पै गई है। अच्छा, इसलिए मैं गुड है। मैं आधार कार्ड नंबर मेरा ए हैगा या मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स ही भेजन दिया या। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स केड़े-केड़े डॉक्यूमेंट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰੂਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ 'ਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ
अपनी अर्जी पत्र लिख रहे हैं, बचत खाता मैं खुलवाना, जिन्होंने सब तो पहला खुलवाना उसके बारे लिखो, जिन्हों का ऑलरेडी चल रहा उन्होंने तो कोई ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना होगा, पीपी जरा पीपीएफ जमा कराने एक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, एक स्वीप अकाउंट होंगे कि नाल दी नाल साडे जिहड़े बचत खाते में पैसे ने वह नाल दी नाल तुहाडी ट्रांजैक्शन उधर होंगी रहे स्वीप अकाउंट के इंट्रस्ट ज्यादा मिलता वे, ठीक है। देखो बैंक में आप राशि जमा बैंक खाता क्यों खुलवाने, कोई दस सकता कि बैंक क्यों बने हुए ने? हाँ बैंक तो ये वैसे ही बैंक कहते किनू ने, बैंक कहते ने जरा कि सानू साडिया जरूरत पूरा करे बैंक, है ना। एक होंगे ना जिमें खूनदान कैंप होंगे जितों सानू खूनदान जो किसी खून की जरूरत है ब्लड की जरूरत है तो असं उत्थे जाने जिमें रैड क्रॉस भवन बने, इस तरह हर शहर के बैंकों दिया ब्रांचेज ने एक गवर्नमेंट के वलों सब तो पहला तो शुरू तो एक पोस्ट ऑफिस, एक बैंक, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सानू साडी जिंदगी नू सेफ रखने लई, साडे फ्यूचर नू सेफ रखने लई, सानू जदों जिंदगी च जरूरत पे साडियां जरूरतां नू पूरा करने लई साडे सहाई ने, ठीक है। हुण बैंक विच इस करके असीं खाता खुलवाना जरूरी है क्योंकि घर विच असीं कई वारी मनी नहीं रख सकदे, कई वारी असीं जिथे जॉब करदे आ जिथे भी सब तो पहला सानू जॉब मिली है उत्थे सब तो पहला यह कहा जांदा कि तुसीं जॉब मिल गई अपॉइंटमेंट हो गई और नैक्सट स्टैप ये कहते होंगे कि तुसीं अपना ना साडे जिहड़ी साडे स्कूल नाल साडे इंस्टीट्यूशन नाल साडे ऑफिस नाल जिहड़ी बैंक नियरेस्ट है साडे उहदे विच जाके तुसीं अपना खाता खुलवाओ क्योंकि तुहाडी जिहड़ी पे है ना सीधी उत्थे बैंक च जाणी, ठीक है बच्चे। ये हर कर्मचारी जिहड़ी मर्जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख लो, सरकारी विभाग देख लो, बिजली विभाग है, बैंक ऑलरेडी बैंक भी है और टेलीफोन विभाग है, जिथे भी तुसीं काम करते हो किसी भी सरकारी अदारे विच और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई स्कूल है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है तुहाडा सब तो पहला जो तुहाडी अपॉइंटमेंट होंदी है ना उस तो बाद कहिंदे कि अपना जिहड़ा साडा बैंक साडे इंस्टीट्यूशन दे नाल साडी संस्था दे नाल जुड़िया होया है उहदे जाके तुसीं खाता खुलवाओ तां जो तुहाडी पे जमा कराउण विच कोई मुश्किल ना आए, ठीक है बच्चे। इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रख के असीं खाता खुलवाउंदे हां। हुण आपां लिखांगे कि सनीमर बेनती है कि पहले श्रीमान जी लिख लिया बेटे, श्रीमान जी सनीमर बेनती है कि मैं यह डैश डैश इलाके का वासी हाँ, मैं तुहाडे बैंक विच अपना बचत खाता खुलवाउणा चाहुंदा हाँ, मेरा अगे भी इस बैंक की ब्रांच विच अमृतसर विच खाता चलता रहा चालू रहा पर मैं उत्थे बैंक विच खाता अपना बंद करवा दिता है क्योंकि मेरी तबादला हो गया मेरी बदली हो गई है, हुण मैं उस बैंक की ब्रांच विच इत्थे तुहाडे कला तुहाडे बैंक विच खाता खुलवाउण दे लई अर्जी पत्र लिख रहा ते जो जो तुहाडे बैंक दियां जो भी जिहड़ियां फॉरमैलिटीज़ ने जो भी रिक्वायरमेंट ने जरूरतां ने मैं उस अनुसार आधार कार्ड की कॉपी पैन कार्ड की कॉपी अपने पूरे पते की रेजिडेंशियल प्रूफ पूरे पते की जिहड़ी प्रूफ है उसकी कॉपी भी मैं नाल लगाई है नाल लगा दिती अर्जी पत्र दे और इस बैंक विच ही मेरे जिहड़े नाल दे कर्मचारी ने उन्हां दा ऑलरेडी इस बैंक विच खाता पिछले 10 साल तो चल रहा। मैनू उम्मीद है कि तुहाडे बैंक विच खाता खुलवा के मैनू कोई मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि तुहाडे बैंक दा मैं बहुत ही यह नाम सुनिया कि इस बैंक दे कर्मचारी हर एक दे नाल बड़े प्यार दे नाल इन्हां दा वर्तारा है और इत्थे पैसे जमा कराउण कढवाउण विच कोई मुश्किल नहीं है और यह बैंक इंटरनेट फैसिलिटी इंटरनेट सहूलतां पूरियां दे रहा है ते मेरा मैं अपने आधार कार्ड की कॉपी नाल लाती है जिस नाल के मेरे जड़ा फोन नंबर है मोबाइल नंबर है उस उत्ते वह रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से वह नंबर भी लिखा हुआ है जिस नाल के मैनू इंटरनेट बैंक की भी सहूलत दिती जाए ता जो मैं समय समय से अपने जो भी मैनू जरूरत होए तो मैं घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग राही अपनी जरूरत पूरी कर सकां।
और इस दे नाल ही मेरा बचत खाता खुलदिया सारी मैनू नाल ही चैक बुक भी अदा की जाए। चैक बुक अदा करना मीन इशू की जाए ता जो मैनू पैसे कढ़ाने ते जमा कराने ज्यादा मुश्किल ना आए। और लास्ट लाइन मैनू उम्मीद है कि तुहाडा बैंक मैनू समय समय से मेरी जरूरत अनुसार हर सहूलत प्रोवाइड करेगा मीनस प्रदान करेगा हर सहूलत देवेगा। क्लियर है बेटे? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? किसी नू कोई डाउट कि बैंक विच जो तुसी खाता खुलवाना है तो किवें खुलवाना? यस बच्चे, अपना टाइटल ही यह है कि बैंक विच बैंक मैनेजर नू पत्र। हुण इस तो अगे तो बहुत सारे पत्र आपां करने, कोई भी पत्र आ सकता, आपां तो एक टाइटल लै लिया बैंक मैनेजर। सिर्फ फॉर्मेट ते फोकस करना, हैड का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, जो भी कोई पत्र लिखना यदा हैड की है मैनेजर और डिपार्टमेंट की है बैंक। फॉर एग्जाम्पल आप जो स्कूल के प्रिंसीपल लिखते हैं, टाइटल दिता होंगे स्कूल का प्रिंसीपल। प्रिंसीपल की हो गया हैड, तो स्कूल की हो गया विभाग। अखबार के संपादक न संपादक साहब, तो विभाग की हो गया अखबार। इस करके आप अंडरस्टैंडिंग ना करिए हैड का नाम डिपार्टमेंट का नाम लिख लगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फॉर्मेट से 3 marks होंगे ने उपर वाले फॉर्मेट के, 1 mark नीचे वाले फॉर्मेट का। 4 marks यही हो गए, 4 marks कंटेंट के। अजिहे चीज़ों ध्यान च रख के आप एक पत्र फ्रेम करते हैं और ये थोड़ी राइटिंग स्किल है। ये अपने वालों ये भी नहीं लाइनस इधर उधर दिया गप्पा नहीं लगाने, जो पूछा गया टू द पॉइंट गल करनी है। लैटर दे विच अर्जी पत्र यही वह एसे बना देना, सिर्फ टू दो चीज़ों फोकस करना। पहला पैरा होंदा 3-4 लाइन सिचुएशन की बनी, दूसरे पैर च आप देने सुजैशन की है, ठीक है, सल्यूशन की है, यदा सल्यूशन की है, कि समस्या बनी कि वह सल्यूशन की कटिया जाए। यह दो चीज़ों ध्यान च रख के आप पत्र कंप्लीट कर लें, कोई मुश्किल ही नहीं आनी। ठीक है बच्चे, डन। सैकेंड पत्र समझिए, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट पत्र लिखिए कि तुसी अपने बचत खाते नू आधार कार्ड नाल जोड़न लई पत्र लिखो। आधार कार्ड नाल जोड़न लई तुहाडा ऑलरेडी बचत खाता चल रहा है, बचत खाते नू आधार कार्ड नाल जोड़न लई नोट करो बेटे, आधार कार्ड नाल जोड़न लई पत्र। सेम फॉर्मेट, सेम बेटे फॉर्मेट सेम आ जाना बेटे। रिस्पोंस करिया करो क्लास विच। हुण आधार कार्ड नाल जोड़ना कौन दसेगा कंटेंट? सिर्फ 2-3 lines लिखनी है, 2-3 lines लिखनी है इहदे विच तां। यस बच्चे, ट्राई करो बेटे, ट्राई करो। ये की दसना तुसी? मैं स्टार्ट दे दिनी हाँ तुहानू कि सनीमर बेनती है, मैं डैश डैश इलाके का वासी हाँ, मेरा तुहाडे बैंक विच इन्ने समय तो बचत खाता चल रहा है, ठीक है। उस तो बाद तुसी गल करो आधार कार्ड नाल जोड़न दी, क्योंकि आधार कार्ड नाल तुसी उदो जोड़ना जो तुहाडा ऑलरेडी बचत खाता चल रहा है। टाइटल की है, बचत खाते नू आधार कार्ड नाल जोड़न लई। इहदा मतलब तुहाडा बैंक विच बचत खाता, बचत खाते नू इंग्लिश की कहिंदे आ, सेविंग अकाउंट। सेविंग तुसी अपनी जो सेव करदे हो वह बैंक विच जमा कराउंदे हो, क्योंकि जरूरत सब तो पहला हुंदी है सेविंग अकाउंट खोलण दी। जदों सब तो पहला जिहड़ा कस्टमर है बैंक विच जिन्हें खाता खुलवाना, अपना चालू खाता खुलवाना, बचत चालू खाता जिहड़ा चलदा रहे, कढ़ाए पैसे जमा कराए, कढ़वा ले जदों जरूरत है कढ़वा ले, उहदे नाल नाल स्टेटमेंट आउंदी रहिंदी कि इन्ने जमा कराए इन्ने कढ़ाए, क्योंकि उस तो बाद है कि तुसी वो सेविंग अकाउंट दे विच्चों ही तुसी अपनी फिक्स डिपॉजिट कराना, ठीक है, FD बनवानी है, PPF विच पाना है, एक PPF तुहाडा बैंक विच भी खुलदा, ठीक है, क्लीयर है। ज्वाइंट अकाउंट खुलाना तुसी कोई उहदे विच्चों, तुसी जिथे मर्जी यूज कर लो उहनूं। एक बचत खाता सब तो पहला जरूरी है,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੰਟੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਖਾਤੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ? ਯੈਸ ਬੱਚੇ, ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਾਪੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ? ਯੈਸ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ, ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅਟੈਸਟਡ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ, ਅਟੈਸਟਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾਪੜੇ ਨੇ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਮੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ 57 ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਡਿਜਿਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਨੱਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੱਥੀ ਮੀਨਸ ਅਟੈਚ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਿਖ ਦੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਕੌਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਯੈਸ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਅਵਨੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਮੈਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਯੈਸ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਕੌਮਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੈਨ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਤੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
फिर डॉट पाके। हाँ जी बच्चे अवनी एनी डाउट? मैम धन्यवाद सहज से पहले लिखना है, मैं आप जी का बहुत धन्यवादी होवा। हाँ मैं इस एक्शन ले मैं इस काम ले आप जी का बहुत धन्यवादी होवांगा। लिखना लिख दो लाइन, लिख दो कि तो बेटर है, अच्छी गल है। ओके मैम। अपा ओदा भी जो किसी आप स्कूल भी लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना थैंक यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इंग्लिश लिख दो, लिखते हो ना बच्चे सेम इन पंजाबी? क्लियर? मैं इस काम दे लिए ठीक है मैं थोड़ा बहुत बहुत धनवादी होवांगा। फिर धनवाद साहब तो लिखना ही है ठीक है, फिर एंड से लिखना है योर्स फेथफुली लिख दो ठीक है। फेथफुली मीन्स आप जी का विश्वास पात्र। ये दो पत्र तुम अपनी फेयर नोटबुक से लिखने हैं, ये ही बैंक मैनेजर रिलेटेड आप दो पत्र क्लास वर्क करा। वो किड़े करा? खाता बंद करवाना है, कर्जा लैन लिये। हूँ जेडे बच्चे बेचारे विदेशों में जाते हैं पैसे इन्ने होंगे नहीं पेरेंट्स को, पर पैसे तो बहुत शो करने पैंदे क्योंकि जड़िया एजेंसीज ने इमीग्रेशन ऑफिस ने वो कह देंगे कि इन्ने पैसे थोड़े अकाउंट में होने चाहिए है इन्ने समय तो, पिछले 6 मंथ तो इन्नी राशि तुसी इन्नी रकम थोड़े बैंक में शो करनी है। जे नहीं है तो फिर कर्जा लेना पैना बैंक तो, कर्जा की स्टडी लोन लेना है, प्रॉपर्टी रख के लोन लेना वो है बैंक तो, कर्जा लैन ली विदेश जाने लिए कर्जा लेना है, कोई व्यापार खोलने लिए कर्जा लेना है ठीक है समझ आ गई, कोई घर बनाने लिए होम लोन लेना, हर फैसिलिटी बैंक दिंदा ना। एक बार थोड़ा बचत खाता खुल गया तो तुम हर फैसिलिटी बैंक तो समय समय सिर प्राप्त कर सकते हो। डन बेटे? एक पत्र हो सकता है कलर्क के रुखे वतीरे ले, कई बैंक जाने बड़ा रूड बिहेवियर है तो वो तो तंग आके तुम बैंक का खाता बंद करवा दो। बैंक का खाता बंद करवाने लिए दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कलर्क का उतों के कर्मचारियों का बिहेवियर अच्छा नहीं, दूजा थोड़ी ट्रांसफर हो गई, थोड़ा तबादला हो गया, तुम इतने बैंक का खाता बंद करा के उत्थे जड़े सिटी जाना है उत्थे जाके इसे बैंक की ब्रांच में तुम खाता खुलवाना चाहते हो ठीक है बच्चे। हुण इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रख के तुसी अपनी नोटबुक ते पत्र कर लेना और चैप्टर रीड करना है। अज दा होमवर्क की है? चैप्टर रीड करना है रब दी पौड़ी। रब दी पौड़ी मीन्स एक न्यूयॉर्क दी बिल्डिंग है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उन्हों रब दी पौड़ी क्या इन्नी मंजिल उच्ची एहो जी बिल्डिंग कदी देखी नहीं, किन्नियां मंजिलां ने उहदियां, तुसी पूरा चैप्टर पढ़ोगे तुहानूं। ते लेखक कितों गया? उन्हों ओदे ते ओदे विच टोकियो तो गया शायद, उत्थों उत्थे पहुंच के उन्हों की वेरिएशन नजर आई कि उत्थे रहंदे उन्हों किदां सी, ते इत्थे इन्हें बिल्डिंग देखिया, बिल्डिंग च एंटर किया, केड़ी केड़ी मंजिल ते गया, की उन्हों नॉलेज मिली, ते उन्हों रब दी पौड़ी क्या जिथे सब तो उपरली मंजिल, बहुत ज्यादा मंजिला जब पढ़ोगे उत्थों उन्हों सारे नज़ारे की प्रभाव पाते ने उहदे ते, ये उस चैप्टर आप पढ़ना है रब की पौड़ी। एक कल की क्लास आप रीड करा, कल की क्लास लिटरेचर बुक लैके ज्वाइन करना क्लास। थैंक यू सो मच।